आज हम बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं इनका सॉल्यूशन ज्ञात करने का मेथड देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बर्नौली इक्वेशन क्या होती है। तो ऐसे अवकल समीकरण जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन LDE फॉर्म में रिड्यूस हो जाए, उसमें समानित हो जाए, उन्हें हम बर्नौली इक्वेशन कहते हैं। इसको हम निम्न प्रकार से परिभाषित करेंगे मैथमेटिकली। dy अपॉन dx प्लस py बराबर q इंटू y की पावर n, ये हमारे पास बर्नौली इक्वेशन का रूप है। इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो y की पावर n है इससे हम इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। तो y की पावर माइनस n dy अपॉन dx प्लस p इंटू y की पावर माइनस n प्लस 1 बराबर q, और पुट करेंगे y की पावर माइनस n प्लस 1 इज इक्वल टू v। इसका डिफरेंशिएशन हो गया माइनस n प्लस 1 y की पावर माइनस n dy अपॉन dx बराबर dv अपॉन dx। ये चीज़ें हम सब्सटीट्यूशन यहाँ रख देते हैं इसके अंदर। तो माइनस n प्लस 1 नीचे आ गया और dv अपॉन dx ये इधर नीचे आ गया, इसकी वैल्यू हो गई y की पावर माइनस n dy अपॉन dx, ये हम यहाँ रख देते हैं इसको, प्लस p इंटू वी बराबर q। और इस 1 माइनस n को उठा के हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, तो dv अपॉन dx प्लस 1 माइनस n इंटू पी वी बराबर 1 माइनस n इंटू क्यू। ये हमारे पास में v के अंदर एक LDE लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त हो गया, जिसका हल अब तक जब हम जिस प्रकार से करते आए हैं उस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो इसलिए क्या है कि बर्नौली इक्वेशन में सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूशन रखकर इसको LDE फॉर्म में चेंज करेंगे और उसके बाद हम इसका हल प्राप्त करेंगे। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, 2dy अपॉन dx बराबर y अपॉन x प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। यहाँ आप देखने से न तो ये LDE बन रहा है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर दें, ये बर्नौली इक्वेशन की फॉर्म में इसको लिया हुए, तो इसको हम आसानी से हल कर लेंगे। तो यहाँ हम क्या करते हैं, ये जो वाई स्क्वायर आ रहा है इसका सब जगह भाग लगा देते हैं। तो 2 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वाई अपॉन एक्स, नीचे वाई स्क्वायर का भाग, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। और अब हम क्या करेंगे, बर्नौली इक्वेशन में जैसा अब तक हम करते आए हैं कि ये 1 अपॉन वाई हो गया ही है ना, तो हम 1 अपॉन वाई की जगह वी रख देते हैं, यानी माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह डी वी अपॉन डी एक्स। तो ये हम इस प्रकार से इसमें चेंज कर दिया है, तो माइनस 2 डी वी अपॉन डी एक्स बराबर वी अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इस माइनस 2 को भी हम इधर शिफ्ट कर देते हैं और इसको इधर ले आते हैं, तो डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी इंटू 1 अपॉन 2 एक्स बराबर माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास में अब LDE की फॉर्म हो गई। तो जैसे ये LDE प्राप्त हुई, अब इसका हम आसानी से सॉल्यूशन कर लेंगे। तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लें, e की पावर इंटीग्रल 1 अपॉन 2 एक्स डी एक्स, यानी e की पावर हाफ log x, हाफ को ऊपर शिफ्ट किया तो e की पावर log रूट एक्स, यानी रूट एक्स प्राप्त हो गया IF। सॉल्यूशन v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर q माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर इंटू रूट एक्स डी एक्स, ये हमारे पास में सीधा यूँ आ गया, v रूट एक्स बराबर इंटीग्रल माइनस 1 अपॉन 2, इसमें से हमने क्या करा, एक रूट एक्स निकाल लिया और रूट एक्स की पावर 3 कर दिया, रूट एक्स डी एक्स। अब यहाँ आने के बाद ये अपने पास केवल इंटीग्रल की ही प्रॉब्लम रह गई है, तो इसको सॉल्व करने के लिए पुट रूट एक्स बराबर टी है ना, तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स डी एक्स बराबर डी टी, ये सब्सटीट्यूशन जैसे यहाँ रखा और इसको अपन ने सॉल्व कर लिया। सॉल्व करते ही ये वी रूट एक्स बराबर 1 अपॉन टी प्लस सी आ गया। अब हम क्या करेंगे, वापस टी की वैल्यू रख देंगे, यहाँ टी का मान रख दिया और ऊपर हमने क्या करा, वी था हमारे पास तो वी बराबर 1 अपॉन वाई यूज किया था अपन ने, है ना, तो ये इसको हम वापस वैल्यू रख देते हैं,
वैल्यू रखते ही इसको सॉल्व करते ही हमारे पास में ये इक्वेशन का सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। ये अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, sec स्क्वायर वाई डीवाई अपॉन डी एक्स प्लस टू एक्स टेन वाई बराबर एक्स क्यूब। क्योंकि ये इक्वेशन देखने में सीधे रूप में LDE इक्वेशन नहीं है, है ना, ये इक्वेशन एक बर्नौली इक्वेशन है जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन रखकर इसको सबसे पहले LDE बना लेंगे और LDE का सॉल्यूशन आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ हम जो टेन वाई आ रहा है इसको पुट करते हैं, लेट टेन वाई बराबर वी, सो डिफ्रेंशिएट करें इसको, sec स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी वी अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स sec स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, इसकी वैल्यू डी वी अपॉन डी एक्स यहाँ पर हम रख देंगे, प्लस टू एक्स ऐसे का ऐसे ही, टेन वाई, टेन वाई बराबर वी है बराबर एक्स क्यू। अब ये हमारे पास में LDE की फॉर्म बन गई है, डी वी अपॉन डी एक्स प्लस टू एक्स इंटू वी बराबर एक्स क्यू, जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में परिवर्तित हो गई है। इसका सॉल्यूशन हम बहुत ही आसानी से जैसे पहले अब तक करते आए हैं उस प्रकार से ये कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करें, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगाएं, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर e की पावर इंटीग्रल 2x dv, यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे 2x dx, क्योंकि नीचे x है इसलिए यहाँ पे x आएगा, यहाँ ऊपर v है तो ये भी v है और ये आपका x का फंक्शन हो गया p और q, तो इसलिए यहाँ पे dx आएगा, 2x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर, तो e की पावर x स्क्वायर इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन v, क्योंकि यहाँ पे v है, ये बहुत ध्यान रखने की चीज़ है, यहाँ पे v है, यहाँ पे v है, इसलिए ये v आएगा, सो v इंटू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर x स्क्वायर बराबर इंटीग्रल इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q, q बराबर यहाँ पे अपने पास एक्स क्यूब है डी एक्स प्लस c। अब ये जो इंटीग्रल आ रहा है इसको हमको करना है e की पावर x स्क्वायर एक्स क्यूब, तो यहाँ हम क्या करें, इस x स्क्वायर की जगह t रख देते हैं, सो 2x dx बराबर dt, तो ये x dx एक तो ये अलग निकल जाएगा, इसकी जगह तो हो गया dt अपॉन 2 और x स्क्वायर बचेगा जिसकी जगह हो जाएगा t, और ये बन गया e की पावर t, सो e की पावर x स्क्वायर v बराबर हाफ इंटीग्रल t e रेस टू t dt प्लस c, जो कि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस हो गया, सो e रेस टू x स्क्वायर v बराबर हाफ t ऐसा का ऐसा ही इंटीग्रल e रेस टू t dt माइनस t का डिफरेंशिएशन dt अपॉन dt और इस e रेस टू t का इंटीग्रल e रेस टू t dt और इंटीग्रल dt प्लस c, ये अपने पास LDE का सॉल्यूशन हो जाएगा, e की पावर x स्क्वायर v बराबर हाफ t, इसका इंटीग्रल हो गया e रेस टू t माइनस ये dt से dt कट गया, e रेस टू t का इंटीग्रल e रेस टू t और फिर इंटीग्रल वापस, सो e रेस टू t प्लस c। अब यहाँ हम क्या करेंगे, v की वैल्यू रखेंगे क्योंकि v बराबर हमने ऊपर tan y लिया है, तो यहाँ tan y रख दिया हमने, तो e की पावर x स्क्वायर tan y बराबर हाफ और x स्क्वायर बराबर t रखा था तो t की जगह वापस x स्क्वायर, सो x स्क्वायर e की पावर x स्क्वायर माइनस e की पावर x स्क्वायर प्लस c, e की पावर x स्क्वायर का सारे में भाग लगा देते हैं, सो tan y बराबर हाफ x स्क्वायर माइनस वन प्लस c इंटू e की पावर माइनस x स्क्वायर, ये अपने पास में फाइनल आंसर आ गया है। तो इस प्रकार से हम किसी भी बर्नौली इक्वेशन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बस हमको ये ध्यान रखना है कि सब्स्टिट्यूशन बड़ा उचित होना चाहिए और इस ढंग से सब्स्टिट्यूशन सेट करें ताकि ये LDE में चेंज हो जाए और LDE में चेंज होते ही हम इनके सॉल्यूशन आसानी से प्राप्त कर लेंगे। अब आप इनके जो भी प्रश्नावली में सवाल हैं उनको आगे करें और दिक्कत आए और आप पूछ लें।